नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत से मिले हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दोनों के बीच मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आप दोनों मिलते हैं और पंजाब राजस्थान के मसलों पर इस दौरान चर्चा हुई है। साथ ही अजय माकन, स्पीकर सीपी जोशी, गोविंद डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे हैं। वहीं इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, दो बड़े नेता, दो राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिले हैं और सीएम गहलोत से मुलाकात हुई है पंजाब के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने चरणजीत सिंह चन्नी का स्वागत किया है। वहीं पंजाब राजस्थान के मसलों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। वहीं इस दौरान अजय माकन, तमाम अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। दोनों के बीच ये मुलाकात होती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चरणजीत सिंह चन्नी का इस दौरान स्वागत किया। वहीं पंजाब राजस्थान के मसलों पर अलग अलग विषय रहे जिनको लेकर के चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर पंजाब में भी कुछ फेरबदल हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत हद तक क्षति पहुंचाने वाली भी थी। उसके कई तरीके के संकेत भी थे, लेकिन ऐसी स्थिति, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि अगर राजस्थान में भी विस्तार होता है, मंत्रिमंडल फेरबदल होता है, पुनर्गठन की प्रक्रियाएं तेज होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जो पंजाब में हुआ। तो ऐसे ही अलग अलग मसलों को लेकर के पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई है। और साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर ये दोनों मुख्यमंत्रियों के, दो राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि इस बातचीत के अंदर शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चरणजीत सिंह चन्नी का इस दौरान स्वागत किया है। तो पंजाब राजस्थान के मसलों पर इस दौरान दोनों के बीच में चर्चा हुई है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों के बीच में ये मुलाकात बेहद खास है। और साथ ही आपको बताएं कि पुनर्गठन को लेकर के जब चर्चाएं जोरों पर हैं और फेरिस्त भी सामने हैं, तो ऐसे में अब दोनों के बीच की यह मुलाकात अपने आप में खास और अहम। दिनेश डांगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, क्या अभी तक जानकारी है, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच की मुलाकात कितनी अहम, कितनी खास? जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजस्थान के दौरे पर है। कल स्पेशल प्लेन से वो जयपुर आए थे और एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की अब से थोड़ी देर पहले और शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान खास बात रही कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, स्पीकर सीपी जोशी और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहे। चारों नेताओं के महत्वपूर्ण चर्चा हुई ब्रेकफास्ट के साथ। इसके अलावा राजस्थान का पड़ोसी राज्य है पंजाब और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, तो पानी बंटवारे को लेकर भी बताया जा रहा है कि आगे इस पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी। तो ये एक महज शिष्टाचार मुलाकात थी और मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई। उसके बाद बिल्कुल दिनेश, इसमें पानी के विषय को लेकर के अब ये मुलाकात मानी जा रही है, और कोई और महत्वपूर्ण विषय जो कि इसमें शामिल किया गया हो? जी बिल्कुल, और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्य कुछ मसले हैं पानी को लेकर, उन पर कह सकते हैं कि एक औपचारिकता के तौर पर बातचीत हुई और ऐसा कोई मकसद नहीं था। जब वो जयपुर आए थे तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े कदावर नेता हैं सीएम अशोक गहलोत, तो एक शिष्टाचार के नाते उनका मुलाकात का ही ये कार्यक्रम। लेकिन पॉलिटिकल पंडित इससे पहले जब राजस्थान में पुनर्गठन कैबिनेट, चलिए लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दो राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिले हैं और दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजस्थान में आए हैं और राजस्थान आए तो इस दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात की है। शिष्टाचार ये मुलाकात है और पंजाब राजस्थान के कई मसले भी थे जिनको लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हुई है। पानी का विषय जो कि हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे थे कि पानी का भी विषय हो सकता है, इसको लेकर के भी चर्चाएं यहाँ पर की जा सकती है।